पूज्य श्री ज्ञानी गवेण श्री गौतम पुत्र श्री हृस्वामानंदन संयमी सीरत भक्त का सर्वप्रथम प्रणाम प्रीत। लेकिन फिर भी अंतःकरण में सांत्वना न मिलने के कारण चाहता हूं वाचिक प्रणाम प्रस्तुत करूं। स्वीकारें देवता मेरा वाचिक प्रणाम, स्वीकारें प्रभु स्वीकारें। गुरुवर के पावन पदों मध्य, गुरुवर के पावन पदों मध्य ये सीरत ध्वज का अभिनंदन है और सेवक पर कृपा करो स्वामी सतकोटि कोटि वंदन है। सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम के उपंगों अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। प्राणायाम की प्रक्रिया को पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से धारणा को धारित करने के लिए स्थूल ध्यान ज्योतिर्ध्यान सूक्ष्म ध्यान के केंद्र बिंदु में पहुंच करके इड़ा पिंगला सुषुम्ना गांधारी हस्त जिभ्या कुहु सरस्वती संखनी पयस्वनी यशस्विनी वारणी अलंबुता लंबोदरी विश्वोदरी इन 14 प्रकार की नाड़ियों का एकीकरण करके ब्रह्मरंध्र में पहुंच करके सहस्तार विशुद्ध आज्ञा स्वाधिष्ठान इत्यादि चक्रों से परे निद्रा स्मृति विपर्य विकल्प प्रमाण इन चित्त की पंचवृत्तियों से ऊपर उठने वाले राजा जनक। शास्त्र ने ज्ञान की चर्चा की तो जनक के ज्ञान को स्थान मिला, सतानंद के ज्ञान को नहीं। शास्त्र ने मुक्त कंठ से कहा राजा जनक का ज्ञान कैसा है तो जासु ज्ञान रवि भवनी सुनाता। राजा जनक का ज्ञान कैसा है बोले सूर्य की तरह। सूर्य क्या करता है बड़े से बड़े अंधकार को सूर्य नष्ट कर देता है। वैसे मनुष्य के जीवन में अज्ञान का जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए ज्ञान की किरणों का सूर्य अगर किसी के पास है तो वो राजा जनक के पास है। तुमने प्रणाम किया है आशीर्वाद अवश्य देंगे, क्यों देंगे राजन। तुम हो हमारे सुदास की कृपा से आए हुए हैं आपने जनक जी महाराज और सुरेंद्र के लिए 50 मुद्राएं और सुंदरलाल जी की ओर से 20 मुद्राएं दोनों लोगों के लिए संप्रेषित भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजन। तुम हो नृपति महान, तुम्हारे लिए यही वरदान, तुम्हारा कर्म नियोग चित वंदन साहो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन ताहु। ये करोगे तो होगा क्या। सत्ता पर है जनक तुम्हारा, यद्यप सत्ता टिकाऊ नहीं है। सत्ता पर है जनक तुम्हारा एक छत्र अधिकार,
मिन्नत ना कर आधार रहेगा। जब ये करोगे तो होगा क्या, ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन का उज्जवल एक प्रमाण रहेगी। ये हृदय पक्षी की निर्मल गंगा या यमुना ये युग युग तक प्रतिमान रहेगी। तुम्हारा कर्म नियोजित वंदन सा हो, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो। राजा जनक तुमने प्रणाम किया है, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव था। हम जब तक हैं तब तक रहेगा, सदा सुखी रहो, बुलवाने का हेतु अवगत कराओ। तपोनिष्ठ, हमारे आहूत करने में केवल मात्र एक ही कारण है। आप देख रहे हैं इस विस्तृत पंडाल के अंतर्गत एक न्यूनता समझ में आ रही है, और न्यूनता क्या है, 34 कंचन मंच विशाला रचे तहां बैठे मैपाला। लेकिन कल आप भी साथ में गए थे जिस समय ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी का पदार्पण हमारी मिथिला में हुआ था, और अभी एक मंच रिक्त भी है जो सभी मंचों में श्रेष्ठ मंच है। मैं विचार कर रहा हूं इस पर किसको सुशोभित किया जाए, ध्यान में आया कि वो ही सृष्टि के द्वितीय रचनाकार हैं। आप चले जाएं, उनको यहाँ पर लेकर के आएं और इस मंच की शोभा को बढ़ावें तो महान दया नहीं अपितु महान कृपा होगी। लेकिन एक हमारी विनय है, विनय इन शब्दों में है, श्रवण करें देवता श्रवण करें कि जाओ गुरुवर कौशिक मुनि पहा मम समाचार ये पहुंचाना लेकिन पहले प्रणाम मेरा कहना फिर प्रण की कथा सुना देना। अंतिम दिन आज स्वयं दशरथ सुतय बोल तो मुनियों का वृंद सुशोभित तो है वो मंगलमय कीर्ति बढ़ाने को। हाँ मंगल मैं कीर्ति देखो ना, ये गुरु का बिना उस बेदी में मेरी पुत्री का ब्याह तो वह सुंदर सदन सुखद सो सुख है सुजान गुरु पाजाना। हाँ सुख सुजान गुरु पाजाना। और है विश्वामित्र और राम लखन उनको गुरुवर तुम ले आना।
मैं आप इतना ही करें। देवता अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं, अविलंब आप इतना ही करें। मैं सुंदर सदन प्रतीक्षा में हास भवन पद रज से करें ऐसे सही नित इच्छा। बस आपके सेवक की यही विनय है, यही प्रार्थना है। देवता यदि आप कार्य पूर्ण करेंगे तो यह आपका सेवक आपका सदैव आभारी रहेगा, सदैव आभारी रहेगा। यद्यपि नियम यह है कि व्यक्ति अपनी विनय स्वयं करता है। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला। मुझे याद है महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन जब नगर में प्रथम हुआ था तो नगर में पूर्व दिशा में बनी हुई अमराई आमों के बगीचे में हुआ था, वहां रुके थे। और आपको सूचना मिली थी महाराज जनक को कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब भी गए थे। कैसे गए थे? संग सचिव सुचि भूरी भट्ट भूसुर बर गुर ज्ञात। सचिव अर्थात आपका मंत्रिमंडल आपके साथ में था। भूरी माने प्रशंसनीय, भट्ट माने वीर, प्रशंसनीय वीर आपके साथ में थे। भूसुर भूमि माने धरती, सुर माने देवता, धरती का देवता अर्थात ब्राह्मण आपके साथ में, ब्राह्मणों की मंडली भी थी। गुरु ज्ञात आपके गुरु आपके साथ में थे। ज्ञात माने आपके जाति आपके संबंधी सब थे, तब आप लेके आए थे। आज मुझे अकेले भेज रहे सुंदर सदन से उनको लाने के लिए, मैं विचार करने लगा क्यों क्यों, क्या राजा जनक के पास समय नहीं है कि उनको ला करके यहां पर बिठा सके? धन है राजा जनक जो कार्य गुरु को करना चाहिए आज वो शिष्य कर रहा है। आज शिष्य के द्वारा गुरु के उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है कि गुरुदेव अपने उद्धार को प्राप्त करना है तो तुरंत जाइए। तुरंत पठाया है, मैं तुरंत जा रहा हूँ और तुरंत में मैं सब तुरंत करूंगा। जय हो तुम्हारी।